Hello everyone, welcome to Daim Classes. I am Ispanam and today we are going to read Geography Class 7 का Chapter Number 4. तो आज इस Chapter में हम पढ़ने वाले हैं Air को. तो इस Chapter में हम देखेंगे कि Air क्या है और इसके कितने Composition होते हैं. ठीक है, Air मतलब Atmosphere. ठीक है, तो इसमें किस किस तरह के Gases होती हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं. फिर हम पढ़ेंगे Wind के बारे में, Wind के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस ऑल द थिंग्स वी विल रीड हियर. ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्लाइमेट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में. तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को. तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है ना, वो सराउंडेड है एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से. ठीक है, एयर की जो ह्यूज ब्लैंकेट है उससे हमारी अर्थ सराउंडेड है और वो क्या कहलाती है, एटमोस्फियर कहलाती है. मतलब एयर में हर तरह के गैसेस होते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पिछले चैप्टर में कि हमारी अर्थ जो है वो सराउंडेड है किससे, एटमोस्फियर में. और एटमोस्फियर क्या है, एक मिक्सचर है गैसेस का, है ना, कई सारी गैसे इसमें पाई जाती है, तो ये एटमोस्फियर कहलाती है. अब जो भी लिविंग बींग्स होते हैं ना अर्थ पे, जो भी, तो वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं किस पे, एटमोस्फेयर पे डिपेंड होते हैं, है ना. क्यों, क्योंकि वो सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एटमोस्फेयर पे डिपेंड होते हैं. अब एटमोस्फेयर में क्या क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी अदर गैसेस होते हैं. अब देखो हम क्या करते हैं, देखो एटमोस्फेयर क्या करती है, इट प्रोवाइड अस द एयर, है ना, हमें ये एयर प्रोवाइड करती है किस लिए, टू ब्रीथ, है ना, हमें सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करती है. और हमें ये प्रोटेक्ट भी करती है. तो किस तरह ये हमें प्रोटेक्ट करती है, एटमोस्फेयर, तो जो सन की जो हार्मफुल रेज होती है ना उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, सन की हार्मफुल रेज से, क्योंकि देखो एटमोस्फेयर में क्या होती है, एटमोस्फेयर की जो लेयर में ओजोन लेयर्स भी होती है, तो वहां ओजोन लेयर की वजह से हमें ये प्रोटेक्ट करती है. अब देखो बिना प्रोटेक्शन के क्या होती, हम बिल्कुल पक गए होते अगर डे टाइम होता ना, क्योंकि डे टाइम में क्या होती है, सनलाइट पड़ती है और सनलाइट की वजह से, सन की जो हीट होती है उसकी वजह से हम बिल्कुल बेक्ड हो जाते हैं अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होती, है ना, एटमोस्फेयर की अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होती. और ड्यूरिंग नाइट के समय क्या हो जाते हैं, हम बिल्कुल फ्रोजन हो जाते हैं, है ना, जम से जाते. तो ये हमें काफी हेल्प करती है मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमारे अर्थ पे. ठीक है, अब देखो ये जो एटमोस्फेयर जो है वो भी हमें, वो और क्या करती है, टेम्परेचर को लिवेबल बनाती है कि हम इसे यहाँ पे अर्थ पे बिल्कुल अच्छे से रह सके, बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके. इसलिए ये टेम्परेचर को, अर्थ के जो की जो टेम्परेचर होती है ना वो लिवेबल बनाती है. ठीक है, और देखो अब हम पढ़ने वाले हैं कम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर को. तो एटमोस्फेयर में कितने कम्पोजिशन होते हैं और ये कितने लेयर्स में डिवाइडेड होता है एटमोस्फेयर. तो देखो एटमोस्फेयर जो है ना, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स. ठीक है, ये जो है फाइव लेयर्स में डिवाइडेड है एटमोस्फेयर, जो के एक सी वो चीज मैं आगे बताऊंगी. देखो अब ये जो है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये यहाँ पे जो है मतलब एटमोस्फेयर में जो है ना, ये कई सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, कई सारे यहाँ पे गैसेस पाए जाते हैं. और यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होती है. ठीक है, यानी एटमोस्फेयर का ज्यादा एरिया जो है ना वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कवर किए रहता है. लुक एट द डायग्राम, देख रहे हो आप यहाँ पे डायग्राम में, ये ज्यादातर एरिया जो है, पहला फर्स्ट अमाउंट जो है नाइट्रोजन की वो 78% है ना, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%. तो ज्यादातर एरिया किसने कवर किया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने, है ना. तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मायने रखता है, मतलब एटमोस्फेयर में ज्यादा पाया जाता है. और भी अदर गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन, आर्गन, ये सारे के सारे भी यहाँ पे पाए जाते हैं, बट काफी लेसर क्वांटिटीज में होते हैं, है ना. बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दीज, ये सारे गैसेस के अलावा भी ना हमारे एटमोस्फेयर में टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं. जैसा कि आप देखते होंगे कभी कभी अंधेरे में आप जाओगे ना, डार्कनेस वाले एरिया में, ठीक है, तो वहां पे आप टॉर्च की रोशनी में या हल्की कहीं से भी, मतलब थोड़ी बहुत कहीं पे भी होल रहती है, वहां से जब लाइट आती है तो वहां पे आप देखोगे कि बिल्कुल छोटी छोटी जो डस्ट होती है ना, बिल्कुल पार्टिकल्स, वो दिखते होंगे आप इस तरफ से उस तरफ जाती हुई, है ना.
जब टॉर्च की रोशनी वगैरह में भी दिखती है, तो वो ही होते हैं पार्टिकल्स। और वो तो हमें दिख भी जाती है ना कभी कभी, बट कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पार्टिकल्स भी हमारे एटमोस्फेयर में मौजूद होते हैं। अब देखो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन जो है ना, इट इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, ठीक है। और काफी बहुत ज्यादा प्लेंटीफुल है, और व्हेन वी इनहेल, हम लोग जब इनहेल करते हैं ना, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो कुछ अमाउंट जो है ना, वो नाइट्रोजन का भी अमाउंट हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे लंग्स के लंग्स में चली जाती है, ठीक है। और बट प्लांट जो ये बट नाइट्रोजन जो है ना, वो प्लांट्स के सर को सर्वाइव करने के लिए ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है, उन्हें चाहिए ही चाहिए प्लांट्स को। बट क्या प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेते हैं ना, तो क्या प्लांट्स भी हमारी तरह डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो प्लांट्स के अंदर भी जो है ना कई सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसके सॉइल में, उसके जड़ में, रूट्स वगैरह में, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है। दे टेक नाइट्रोजन और फिर वो क्या करते हैं, दे चेंज, है ना, इसके फॉर्म को जो है ना, नाइट्रोजन को वो चेंज कर देते हैं अदर फॉर्म में, और उसके बाद जो है प्लांट्स क्या करते हैं, दे यूज इट, ठीक है। प्लांट्स जो है इसे यूज कर लेते हैं नाइट्रोजन को, तो इस तरह से वो नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। आप देखो ऑक्सीजन क्या है, अभी तो हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़े थे ना, कि नाइट्रोजन जो है काफी प्लेंटफुल है ना हमारे हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। और अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन क्या है, ये सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है ना, जो कि पाया जाता है, कितना इसकी अमाउंट कितनी है एटमॉस्फेयर में, 21% है। और जो भी ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं, दे टेक ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, और कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, किस लिए, सर्वाइव करने के लिए लेते हैं, है ना, जैसे वो सांस लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन में। और देखो ये ग्रीन प्लांट्स जो है ना, वो क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से, है ना। तो देखो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, दो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है ना, मेक देयर ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स जो है अपना फूड खुद ही बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। और जब वो फूड बनाते हैं तो इसी प्रोसेस में रिलीज होती है ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, है ना। और फिर हम क्या एक्सहेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट इनहेल करती है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या, इस तरह से ये साइकिल चल रही है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं ना, और ट्रीज को कट कर रहे हैं तो क्या हो रही है, हमारी बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें, मतलब ये बताया गया है कि हमें प्लांट्स को कम से मतलब ये कट नहीं करने चाहिए, बल्कि और हमें ज्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए, है ना। तो जिससे कि हम ज्यादा प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारी मतलब ऑक्सीजन अच्छे, मतलब हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होगी उनकी बैलेंस अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये एक अनदर इम्पोर्टेंट गैस है ना। अब इम्पोर्टेंट गैस कैसे है, तो इम्पोर्टेंट गैस है प्लांट्स के लिए, तो इसकी प्रेजेंस में ही तो प्लांट्स क्या करते हैं, दे मेक देयर फूड, है ना, इसके प्रेजेंस में ही अपना फूड बनाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट इनहेल करते हैं, ठीक है। और जो भी देखो, अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है ना, जो भी ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा जो रिलीज किया जाता है वो क्या करता है, और जो प्लांट्स के द्वारा जो मतलब ये होती है रिलीज की जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखती है ना।
अब देखो क्या होती है हमारी जो जो भी मतलब जो क्या हो रहा है बैलेंस क्या हो रही है अपसेट हो रही है। क्यों अपसेट हो रही है? क्योंकि बर्निंग ऑफ फ्यूल से फ्यूल्स जलाए जा रहे हैं, कोल्स जलाए जा रहे हैं, ऑयल्स जलाए जा रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रही है ये सारे कुछ जलाए जाते हैं तो क्या हो रही है बिलियंस ऑफ टोन्स जो है ना बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोसफेयर में मिक्स हो रही है ऐड हो रहे हैं। तो बताओ इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होंगे तो क्या होगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है एटमोसफेयर में और फिर ये क्या करती है अर्थ की जो वेदर और क्लाइमेट है ना उसके ऊपर काफी अफेक्ट डालती है। ठीक है तो इसलिए हमें कम से कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। ठीक है अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो आगे क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में हमें पढ़ना है। एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर कैसी है एटमॉस्फेयर के बारे में हम क्या जानते हैं एटमॉस्फेयर जिसमें जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है ना कई सारे गैसेस का मिश्रण होता है इसमें हर तरह के गैसेस होते हैं तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है तो देखो हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है इट इज डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स। फाइव लेयर्स में डिवाइडेड है और जो फर्स्ट लेयर जो जो लोअर सबसे लोवेस्ट वाला है ना वो ट्रोपोस्फेयर है फिर है स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो दीज आर द फाइव लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है एटमोस्फेयर के ये फाइव लेयर्स हैं तो चलिए सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो ट्रोपोस्फेयर जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है ना और ये इसकी जो ये जो फैली होती है ना ये लगभग 13 किलोमीटर तक ये इसकी हाइट ऊपर की तरफ होती है और ये जो है मतलब यहाँ पे एयर होती है जिसे हम क्या करते हैं हम ब्रीथ करते हैं और यहाँ पे क्या होती है इसकी यहाँ पे मतलब वेदर फिनोमेना जो होती है ना वो भी काफी अच्छी होती है जैसे रेनफॉल भी यहाँ पे होता है फॉग भी होता है हेलस्टॉर्म भी होता है तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है और इसकी वजह से क्या होती है यहाँ की वेदर फिनोमेना काफी अच्छी होती है। ठीक है और देखो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है तो इट अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है सॉरी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है और ये एक्सटेंडसअप होती है लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक ये एक्सटेंडसअप होती है और ये लेयर जो है ना यहाँ पे मतलब क्लॉट्स वगैरह नहीं होते हैं ये बिल्कुल क्लॉट्स वगैरह से फ्री होते हैं। ठीक है तो इसकी वजह से ये क्या है यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन होती है एरोप्लेन को फ्लाइंग करने के लिए। ठीक है तो यहाँ मतलब क्योंकि क्लॉट्स वगैरह नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्लाइंग एरोप्लेन्स में इसी वजह से बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है। अब और भी एक और फीचर्स है इसके जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होती है ओजोन गैस होती है इस लेयर में। ठीक है और पता है ना आपको कि ओजोन गैस क्या करती है हमें तो ये ओजोन गैस जो है हमें प्रोटेक्ट करती है सन की जो हार्मफुल रेज निकलती है ना तो सन की हार्मफुल रेज के इफेक्ट से ही ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है और ये देखो स्ट्रेटोस्फेयर और ये रही स्ट्रेटोस्फेयर और ये रही। ठीक है ये स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच जो बाउंड्री बनाती है ना वो है स्ट्रेटोपॉज। ठीक है अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर क्या है देखो थर्मोस्फेयर जो है ना यहाँ पे क्या होती है टेम्परेचर काफी ज्यादा होती है मतलब बढ़ती रहती है। ठीक है बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे हाइट भी जो है हाइट क्या हो रही है हाइट भी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी। ठीक है तो और क्या होती है यहाँ पे जो है ना आयनोस्फेयर भी होती है आयनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है। ठीक है और यहाँ पे जो ये जो है ना मतलब बहुत ज्यादा हाइट में ये फैली होती है लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक ये एक्सटेंसिव होती है। ठीक है तो देख लो कितनी बड़ी ये है आयनोस्फीयर और यहाँ पे जो है ना ये लेयर जो है वो क्या करती है रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है इसकी वजह से जो है रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर जो होते हैं ना अर्थ से बहुत इजिली मतलब ट्रांसमिशन होती है इसकी।
ठीक है। अब देखो एग्जोस्फीयर क्या है, तो सबसे अपर वाला लेयर होता है, सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है वो एग्जोस्फीयर है, और यहाँ पे जो होती है ना काफी थीन एयर होती है, जैसे और लाइट गैसेस होती हैं, जैसे जैसे क्या हो गया हीलियम, हीलियम क्या है एक लाइट, काफी लाइट गैसेस है, हाइड्रोजन ये भी काफी लाइट है, तो ये यहाँ पे फ्लोट करती रहती है क्योंकि काफी लाइट होती है। अगर क्या होती है जो चेंज होती है आर टू आर और डे टू डे, ठीक है, वो क्या कहलाती है वेदर कहलाती है। जैसे सुबह के टाइम पे क्या होती है बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश हुई, दोपहर के टाइम पे क्या हुआ अच्छी सनलाइट निकल गई, शाम के टाइम अच्छी सनलाइट निकल गई, तो ये क्या होती है ये आर टू आर चेंज हो रही है, या फिर आज अच्छी खासी बारिश होती है फिर कल क्या होती है कल अच्छी खासी सनलाइट निकल आती है, तो इसकी वजह से ये जो चेंजिंग जो आती है ना तो ये चेंजिंग कहलाती है वेदर, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होती है, तो क्लाइमेट जो होती है जो मतलब किसी भी प्लेस का जो लॉन्गर पीरियड का जो टाइम जो वेदर होता है ना, किसी भी प्लेस का जो लॉन्गर पीरियड के लिए जो टाइम होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लाइमेट को। जैसे अब डेजर्ट देख लो राजस्थान वाला एरिया, तो राजस्थान में क्या होती है, राजस्थान में बिल्कुल सूखी गर्मी होती है ना, रेनफॉल बहुत ही कम होती है वहां पे क्या होती है सनलाइट अच्छी खासी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कभी कम होती है गर्मी, बट वहां पे एरिया कैसी होती है काफी ज्यादा सूखी होती है, सनलाइट वाली एरिया होती है ज्यादातर, तो वो वहां की क्लाइमेट कहलाती है, ठीक है। और अंटार्कटिका की बात करें हम, तो अंटार्कटिका वाला एरिया क्या होता है फ्रिजिड जोन है, है ना, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं ना कि अंटार्कटिका वाला एरिया क्या है, काफी फ्रिजिड जोन है, बहुत ज्यादा वहां ठंड होती है, तो ये वहां की और बहुत ज्यादा ठंड होती है तो लॉन्गर पीरियड के लिए है ना, टाइम का काफी लॉन्गर पीरियड होता है, तो ये वहां की क्लाइमेट कहलाती है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर जो भी हम फील करते हैं ना, जो भी हम फील करते हैं वो क्या कहलाती है टेम्परेचर कहलाती है, ठीक है। अब देखो डिग्री जो होती है हॉटनेस की और कोल्डनेस की, जो भी एयर में जो एयर की जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की, वो क्या वो जानी जाती है टेम्परेचर के नाम से, ठीक है। अब बोलते हैं जैसे कितनी डिग्री गर्मी है, कितनी डिग्री हॉटनेस है, कितनी डिग्री कोल्डनेस है, तो वो किस नाम से जानी जाती है टेम्परेचर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या होती है एटमोसफेयर की, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब टेम्परेचर जो होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज होती है, मतलब डे एंड नाइट से ही, मतलब डे एंड नाइट के बीच में ही चेंज होती है, बल्कि ये सीजन टू सीजन भी चेंज होती है, ठीक है। अब कैसे सीजन टू सीजन कैसे चेंज होती है, अब समर सीजन का टाइम है तो समर सीजन के टाइम पे टेम्परेचर क्या होगी काफी हाई होती है टेम्परेचर, है ना, और विंटर सीजन के टाइम पे क्या होती है टेम्परेचर काफी लो होती है, तो इस तरह से टेम्परेचर जो होती है एटमोसफियर की वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्मामीटर क्या है, तो थर्मामीटर जो है वो मेजर करती है टेम्परेचर को, कितनी डिग्री टेम्परेचर है, इसे मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। और बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर भी एक मेजरमेंट मशीन है, ये क्या करती है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कितनी है इसे मेजर करती है बैरोमीटर, ठीक है। रेन गोज जो है ये मेजर करती है जो रेनफॉल की जो अमाउंट होती है वो मेजर करती है। और वाइंड वेन की बात करें, तो विंड वेन क्या होती है ये डिरेक्शन शो करती है, विंड की जो डिरेक्शन होती है ना उसे ये शो करती है, देख लो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये इसे डिरेक्शन शो करती है विंड वेन की। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, अब देखो, हाँ अब देखो इंसोलेशन क्या है, तो इंसोलेशन जो है ना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो भी टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो ज्यादा एक इंसोलेशन एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखो इंसोलेशन का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता है कैसे, अब यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, और इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे ना, ये रही यहाँ पे पोल, ठीक है, इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होती है इंसोलेशन जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, इसकी वजह से फिर क्या होती है, इसकी वजह से फिर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि मतलब वहां पे जो पोल जो है वो कवर है किससे, स्नो से कवर्ड है, अंटार्कटिका वाला एरिया जो है वो स्नो से कवर्ड है, वहां पे काफी फ्रिजिड जोन होती है ना अंटार्कटिका, तो ये भी तो वहां की क्लाइमेट है, ठीक है।
तो इस वजह से क्या होती है, मतलब जिस तरह से जैसे इक्वेटर पे क्या होती है, इक्वेटर पे इंसुलेशन हाई होती है और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इंसुलेशन लो हो जाती है, और इंसुलेशन लो होने की वजह से टेम्परेचर भी लो हो जाती है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाती है ना। और अर्थ की टेम्परेचर जो है वो काफी हाई होती है, कहाँ पे, जब जब जो है ना काफी ज्यादा गर्म होगी, और वो क्या होती है मतलब ग्रो क्रॉप्स को भी ग्रो करने में, मतलब वहां पे क्रॉप्स भी ग्रो नहीं हो सकते हैं अगर काफी हाई होगा तो। अब देखो सिटीज की बात करें तो सिटीज में जो होती है ना टेम्परेचर काफी हाई होती है विलेज के कंपैरिजन में, है ना। देखो क्यों हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स वगैरह काफी ऊंची ऊंची होती है, तो इसकी वजह से क्या होती है यहाँ के जो डे टाइम जो होती है ना वो क्या होती है, यहाँ के रोड जो है काफी हीटेड अप हो जाते हैं, काफी गर्म हो जाते हैं, और फिर ये हीट जो होती है वो रिलीज होती है नाइट के समय। तो यहाँ पे मतलब सिटीज में जो है विलेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होती है, और जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं है ना सिटीज के, तो वहां पे भी क्या होती है काफी वार्म एयर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है टेम्परेचर राइज कर जाती है सिटी में, है ना। अब एयर प्रेशर क्या है, तो एयर प्रेशर देखो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना वो प्रेस की जाती है, मतलब एयर हमारी बॉडी को जो है प्रेस करती है, ठीक है, फोर्स करती है एयर, तो बट हमें फील होता है हमें फील नहीं होता है ना कि हमें एयर जो है वो फोर्स को, क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि एयर जो है ना हमारी बॉडी को जो मतलब हर तरफ से ये फोर्स करती है, हर डायरेक्शन से ये हमें फोर्स करती है, तो इसलिए हमें हम ये फील नहीं कर पाते हैं। तो अब देखो एयर प्रेशर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो जो भी अर्थ पे जो भी एयर होती है ना, तो अर्थ की भी तो वेट होती होगी, सॉरी एयर की भी तो वेट होती होगी, तो जो भी अर्थ पे एयर की जो वेट होती है उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ना हमारे ऊपर, ये जो भी उसके द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वो कहलाती है एयर प्रेशर, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के लेयर पे, तो क्या होती है प्रेशर क्या होती है, एयर प्रेशर वो फॉल्स करती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। और प्रेशर जो होती है काफी हाईएस्ट होती है सी लेवल पे, सी लेवल की बात करें तो देखो सी लेवल पे क्या होती है काफी हाईएस्ट होती है प्रेशर, और डिक्रीज होती है इसकी हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और देखो टेम्परेचर जो है एयर की जो टेम्परेचर होती है मतलब एट ए गिवन प्लेस, अब देखो जो भी एयर की जो प्रेशर होती है ना वो इन्फ्लुएंस होती है एयर के टेम्परेचर से, किसी भी जगह का जो एयर का टेम्परेचर होता है उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है एयर की प्रेशर। और किसी एरिया में क्या होती है टेम्परेचर जब हाई होती है तो और क्या होती है एयर वहां पे क्या हो जाती है हीटेड अप हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होती है वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होती है, ठीक है। लो प्रेशर एरिया जो है वहां पे क्या होती है क्लाउडी स्काईज होते हैं, जब लो प्रेशर एरिया होगी तो क्या होगी क्लाउडी स्काईज होंगे और वेदर कैसा होगा वेट होगा, ठीक है। अब देखो जहां पे लोअर टेम्परेचर होती है वहां पे एयर क्या होती है कोल्ड होती है, क्योंकि वहां पे एयर टेम्परेचर जो क्या है कोल्ड है, और इसकी वजह से वो क्या हो जाती है हेवी हो जाती है। अब हेवी हो जाती है तो हेवी एयर क्या हो जाएंगे सिंक हो जाएंगे डूब जाएंगे, है ना, नीचे बैठे रहते हैं, और वो क्या करते हैं फिर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, और हाई प्रेशर एरिया जो है वो क्या वहां पे मतलब कैसे होते हैं स्काईज, वहां पे सनी स्काईज होते हैं और क्लियर होते हैं, ठीक है, जहां पे हाई प्रेशर एरिया होती है। और देखो हाई प्रेशर जो एरिया जो एयर जो मूव करती है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, एयर किस तरह से मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है, जहां पे भी हाई प्रेशर होगी वो मतलब वो ढूंढेगी खाली खाली जगह कहाँ पे है, ठीक है, तो लो प्रेशर कहाँ पे होगी लो प्रेशर जहां पे होगी वहां पे हाई प्रेशर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रेशर इस तरह से एयर जो है मूव करती है। अब हम पढ़ेंगे विंड को, तो विंड क्या है, तो विंड जो है ना मूवमेंट एयर की जो मूवमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो कहलाती है विंड, ठीक है। जो भी मूवमेंट होती है जैसे अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, अब हाई प्रेशर है तो क्या होगी विंड ऊपर उठेगी और यहाँ पे क्या हो गया फिर यहाँ पे खाली हो गई, तो जो लो प्रेशर वाला एरिया है वो इस तरफ से इस मतलब यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे फिर लो प्रेशर हो गया, ठीक है, तो फिर इस तरफ की जो एयर होगी हाई प्रेशर एयर जो है वो मूव करेगी लो प्रेशर एयर की तरफ, ये कहलाती है विंड। और देखो विंड जो होती है
अब देखो विंड जो है ना वो कभी कभी जेंटली ब्लो करती है, तो जेंटली ब्लो करती है तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो विंड बह रही है ना बहुत अच्छा लगता है। बट कभी कभी यही विंड जो होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि फिर हमें चलना भी मुश्किल हो जाती है ना, और क्या करती है मतलब हमारे अम्ब्रेला वगैरह को भी होल्ड नहीं करने देती है ना। तो इतना ज्यादा मतलब स्ट्रांग, इतनी ज्यादा स्ट्रांग विंड चलती है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और देखते हैं अब आगे। देखो अब यहाँ पे बताया गया हाई प्रेशर और लो प्रेशर को। देखो यहाँ पे बताया गया ना कि विंड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो विंड्स जो है ना वो मेनली डिवाइडेड है थ्री टाइप्स में। तो कौन कौन से थ्री टाइप्स है, तो देखो एक परमानेंट विंड्स हो गई, परमानेंट विंड्स और सीजनल विंड्स, फिर हो गया लोकल विंड्स। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ विंड्स। ठीक है, तो ये सारे विंड्स को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो परमानेंट जो होती है ना ये कहलाती है ट्रेड विंड्स भी कहलाती है, और ये ब्लो करती है वेस्टरलाइज या ईस्टरलाइज होती है। ठीक है, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स, और ब्लो करती है किस तरह से थ्रू आउट मतलब ईयर इन अ पार्टिकुलर। और देखो अब हम पढ़ने वाले हैं सीजनल विंड्स को। तो सीजनल विंड्स क्या है, तो सीजनल विंड्स जो है ना वो चेंज करती है अपनी डिरेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट सीजन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन ये जो है अपने डिरेक्शन को चेंज करती रहती है। तो फॉर एग्जांपल ले लो मॉनसून को, मॉनसून जो हमारी इंडिया में मॉनसून है, तो मॉनसून कब होती है, देखो मॉनसून वाला जो होता है ना, मॉनसून होती है तो क्या होती है, बारिश आती है यहाँ पे। ठीक है, और बारिश होती है तो ये जो है ये मतलब बारिश कैसे होती है, जब विंड ब्लो करती है। ठीक है, अब विंड कैसे ब्लो करती है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे अरेबियन सी है ना, तो जब साउथ वेस्ट से जब विंड ब्लो करती है ना, इस तरफ से साउथ वेस्ट जब विंड ब्लो करती है तो ये लैंड फॉर्म से पड़ती है। तो और यहाँ पे क्या होती है, फिर ये अपने साथ जो है क्योंकि सी से आ रही है तो ये अपने साथ कुछ मॉइस्चराइज लेकर के आएगी, तो मॉइस्चर लेकर के आती है तो फिर ये धीरे धीरे क्या बन जाती है, फिर ये मतलब ड्रॉपलेट्स बन जाती है, और फिर ड्रॉपलेट्स बन करके फिर बारिश होती है। तो इस तरह से ये पहले क्या लेकर के आई, विंड लेकर के आई, तो विंड से क्या हुआ हमारा मॉनसून हुआ। और विंड किधर से आई, साउथ वेस्ट विंड आई है ना, साउथ वेस्ट विंड आई तो इस तरह से बारिश हुई, तो ये कहलाती है लोकल विंड्स, सॉरी सीजनल विंड्स। और लोकल विंड्स की बात करें तो ये जो ब्लो करती है ये किसी भी पार्टिकुलर पीरियड में ब्लो करती है, किसी भी दिन और किसी भी साल में, ये मतलब किसी भी स्मॉल एरिया के लिए पार्टिकुलर पीरियड के लिए ही, पार्टिकुलर पीरियड में ये ब्लो करती है। जैसे एग्जांपल पे लो के लैंड और सी ब्रीज, तो लैंड और सी ब्रीज जो होते हैं ना वो किसी भी पार्टिकुलर पीरियड के लिए ही पार्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करते हैं। ठीक है, और देखो जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है एक लू की, तो लू जो है वो चलती है किस तरह से, ये हॉट और ड्राई विंड होती है ना, काफी हॉट और ड्राई विंड होती है, और ये ज्यादातर जो है मोस्टली जो है विंड ये किस तरफ होती है, ये हमारी इंडिया के नदर्न प्लेन जो है ना वहां पे ये विंड ब्लो करती है। ठीक है, जो काफी लू होती है मतलब ये समर सीजन में ये पड़ती है, तो इस तरह के जो विंड होते हैं वो कहलाते हैं लोकल विंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बताए गए हैं साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी, तो देख लेते हैं साइक्लोन एक केस स्टडी है। देखो ये क्या बता रहा है, ओडिशा जो है वो ईस्टर्न सी कोस्ट पे है, हमारे ईस्टर्न सी हमारे इंडिया जो है इंडिया के ईस्टर्न सी कोस्ट पे ओडिशा जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन आई थी जो सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैली थी। ठीक है, और वो साइक्लोन कहाँ से आई थी, बे ऑफ बंगाल से आई थी साइक्लोन, तो ये जो है आई थी वो 17-18 अक्टूबर को 1999 में। ठीक है, यहाँ पे ये साइक्लोन आई थी, और ये साइक्लोन जब आई थी ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला था। ठीक है, जैसे इसने कितने को डिस्ट्रक्ट किया था, जो फाइव डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर और भी देखो अनदर सुपर साइक्लोन जो है वो ऑकर किया था 29 अक्टूबर को 1999 में। ठीक है, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिवास्टेटेड हुआ था। ठीक है, जहाँ पे मतलब देखो यहाँ काफी ज्यादा लार्ज पोर्शन में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैली थी। और देखो जो डैमेज होती है ना यहाँ पे साइक्लोन होने की वजह से जो डैमेज होती है, तो डैमेज होने की जो कॉज है ना वो मेनली थ्री कॉज है। ठीक है, थ्री फैक्टर्स हैं, जैसे विंड वेलोसिटी,
और रेन हो गई, टाइडल सर्ज हो गई, तो इन तीन तीन चीजों की वजह से जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेजेस होती है। अब विंड जो है वो कितनी होती है, अप टू 260 किलोमीटर होती है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ विंड की वजह से। तो विंड की वजह से यहाँ पे देखो ट्रीज जो थे वो क्या हो गए, अपरूटेड हो गए, और काफी ज्यादा यहाँ पे कच्चा हाउसेस भी थे वो भी काफी सारे ज्यादा यहाँ पे मतलब डैमेज हो गए। और देखो यहाँ पे रूफ्स जो है रूफ्स टॉप ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज शेड एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे। ठीक है, तो कई सारी मतलब और भी कई सारे घर जो थे वो भी ब्लोन हो गए, ठीक है, विंड की वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, हेवी रेन भी हुई थी यहाँ पे, काफी ज्यादा हेवी रेन हुई थी, लगभग तीन दिनों तक यहाँ पे काफी ज्यादा हेवी रेन हुई। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुई यहाँ पे जो है ना मतलब फ्लडिंग भी आई काफी, मतलब कई सारे रिवर्स की वजह से, ओडिशा में जो रिवर्स थे रिवर्स है तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्लडिंग भी आई। साइक्लोनिक विंड्स कॉजेस टाइडल वेव्स दैट स्वेप 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैला, कई कितने सारे लोग यहाँ मतलब कितने आदमी लोग यहाँ पे मारे गए थे देखो। और साइक्लोन जो है वो ओरिजिनेट हुआ कहाँ से, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ पे यहाँ से ओरिजिनेट हुए 25 अक्टूबर को 1999 में, और ये फिर धीरे धीरे जो है वो मूव किया किस तरफ, नॉर्थ वेस्ट वर्ड डिरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट हमारे इंडिया की तरफ। ठीक है, जैसे अब जैसे यहाँ पे साइक्लोन है और साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से शुरू हुआ, ओरिजिनेट हुआ, तो ये इस तरफ जाएगी ना, इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिया का जो है ओडिशा है, तो ओडिशा में इस तरह ये यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैलाया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना देखो ओडिशा में कहाँ पे ये देखो सुपर साइक्लोन कहाँ पे हुआ, इरासमा और बालीकुंडा, ओडिशा का जो ओडिशा में है वो उसके बीच में यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, अब सुपर साइक्लोन जो है ये ओडिशा क्या है, ये यहाँ पे स्वेप्ट हुआ कहाँ पे, इंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा में हुआ, और यहाँ पे जो है ना देखो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, मतलब लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, तो लाइव स्टॉक जो है ना कई सारे जानवर यहाँ पे जो है मारे गए। ठीक है, और मिलियन ऑफ पीपल जो है यहाँ पे जो है वर अफेक्टेड थे। ठीक है, और मतलब क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, खेती जो एग्रीकल्चर वगैरह थी ना, तो ड्यू टू सैलिनाइजेशन की वजह से जो है जब टाइडल सर्ज हुई तो उसकी वजह से क्या हुई, जैसे टाइडल सर्ज होती है तो सी जो होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होती है, वहां का पानी जो है वो अर्थ के सरफेस पे ज्यादा दूर तक आता है, तो फिर फ्लडिंग आती है, तो वो खेतों में पानी चला जाता है, खेतों में पानी चलने जाने की वजह से जो सी वाटर जो होती है वो क्या होती है, सॉल्टी होती है काफी, तो खेतों में पानी जाने की वजह से क्या हुआ, वहां पे सॉल्ट जो है काफी मिक्स हो गया वहां पे, तो उसकी वजह से वहां पे जो खेत जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर जो होती है वो इनफर्टाइल, वहां की जो सॉइल होती है वो क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे देखो अभी अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर को, मॉइस्चर क्या होती है, तो देखो जब वाटर जो है ना, जब वाटर इवापोरेट होती है किसी भी लैंड से या फिर किसी भी डिफरेंट वाटर बॉडीज से, जैसे डिफरेंट वाटर बॉडीज जैसे सी हो गई, लेक हो गई, ठीक है, रिवर्स हो गई, तो इन सारी चीजों से जब वाटर जो है इवापोरेट्स होती है, तो इवापोरेट्स होने के बाद ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है वाटर वेपर। ठीक है, और फिर मॉइस्चर जो होती है, जो एयर में जो मॉइस्चर मौजूद होती है वो ह्यूमिडिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो मॉइस्चर होती है, अब जो एयर जब व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिडिटी। ठीक है, जब एयर जो है ना जब फुल होती है वाटर वेपर से तो क्या कहलाती है, फिर ये कहलाती है ह्यूमिडिटी। तो जैसे देखो एयर क्या होती है, वार्मर होती जाती है, तो इसकी कैपेसिटी जो होती है ना वाटर को होल्ड करके रखने के लिए, इसकी कैपेसिटी जो है वाटर वेपर को होल्ड करके रखने के लिए इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्योंकि एयर क्या है, वार्म है, यहाँ पे वार्म है, तो इसे ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, और फिर क्या होती है, ये जो है फिर क्या होती है, डे क्या हो जाती है, फिर काफी ह्यूमिड डे हो जाती है। और ह्यूमिड डे पे क्या होता है, क्लॉथ्स जो होते हैं ना, हम जैसे क्लॉथ्स को सूखने के लिए डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, इट टेक्स लॉन्गर। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लेती है सूखने में, क्योंकि डे कैसी होती है, ह्यूमिड होती है, यहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। ठीक है,
और अगर कम कम वाटर वेपर होगी तो वहां पे क्या होगी, वहां पे वाटर क्लॉथ्स वगैरह जो है वो इजिली जल्दी ही सूख जाएंगे, ठीक है। और जब वाटर वेपर जो है जब राइज करती है ना, तो क्या होती है, जब ऊपर की तरफ वाटर वेपर जब उठती है तो फिर क्या होती है, ये स्टार्ट्स कूलिंग हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये कूल होना शुरू कर देती है। और जब वाटर वेपर जब कूल होने लगती है तो फिर ये क्या बन जाती है, फिर ये जो है ना कॉन्डेंसेस हो जाती है, और फिर ये क्या बन जाती है, फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाती है, क्योंकि वाटर वेपर क्या हो रही है, कूल हो रही है, कूल होने की वजह से जो है ये फिर हेवी होगी, उसके बाद फिर क्या बन जाएगी, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाएगी, और फिर ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन करके फिर ये रेन वाटर हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे बारिश के फॉर्म में चेंज होकर के फिर लैंड फॉर्म पे आ जाएगी। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब प्रेसिपिटेशन जो है वो कम्स डाउन टू द अर्थ, है ना, वो प्रेसिपिटेशन जो है अर्थ पे आती है लिक्विड फॉर्म में, जब आती है तो ये क्या कहलाती है, रेन कहलाती है। जब लिक्विड फॉर्म में आती है, पानी के रूप में जब आएगी तो क्या कहलाएगी, रेन कहलाएगी। बट यही जब अगर बर्फ के रूप में प्रेसिपिटेशन जब लैंड पे होगी, जब अर्थ पे आएगी, जब बर्फ के रूप में, स्नो के रूप में, तो ये क्या कहलाएगी, फिर ये कहलाएगी स्नोफॉल कहलाएगी, ठीक है। और ज्यादातर जो रेन वाटर होते हैं ना, जो बारिश होती है, वो कहाँ से आती है, ग्राउंड वाटर से ही आते हैं, क्योंकि देखो ग्राउंड वाटर से क्या हुई, वाटर वेपर इवापोरेट होकर के ऊपर की तरफ उठी और फिर वो वाटर वेपर बन गई। वाटर वेपर बन जाने के बाद फिर क्या हुई, अगर वो कूलिंग होने लगती है, जैसे जैसे कूलिंग होती है तो फिर क्या होती है, वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाती है, फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन करके फिर वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है रेन वाटर के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से रेन वाटर हो जाती है। और देखो अब हम जानेंगे कि प्लांट्स किस तरह से ये प्रिजर्व करते हैं हमें, ठीक है। तो प्लांट्स जो है ना वो प्रिजर्व करते हैं वाटर को, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, तो इनकी जो ट्रीज की जो रूट्स वगैरह होती है ना, जड़ें वगैरह, तो अगर बारिश हुई तो रेन वाटर को क्या करती है, ये अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है, ट्रीज की जो रूट्स वगैरह होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाटर को प्रिजर्व करती है, ठीक है। अब देखो कभी कभी जो रेन वाटर जो है वो फ्लडिंग होती है, रेन वाटर की वजह से फ्लडिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि देखो जब माउंटेन से नीचे जब वाटर आती है ना, ठीक है, तो कभी कभी ये फ्लडिंग हो जाती है। अब रेन वाटर जो होती है वो मेनली थ्री टाइप्स की होती है, कौन कौन से थ्री टाइप्स की होती है, तो एक फर्स्ट होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, और नेक्स्ट हो गई साइक्लोनिक रेनफॉल। तो जब साइक्लोन होने की वजह से जब रेनफॉल होती है तो वो कहलाती है ये साइक्लोनिक रेनफॉल है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरफ से क्या आ रही है, इस तरफ से कोल्ड एयर आ रही है और इस तरफ से वार्म एयर आ रही है। ये अपने साथ क्या लेकर के आ रही है, मॉइस्चर लेकर के आ रही है, ये भी अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ रही है। मॉइस्चर ऊपर की तरफ उठी, फिर इसकी भी ये जो है मॉइस्चर ऊपर की तरफ उठी, और जब ये रेन वाटर होगी, जो भी प्रेसिपिटेशन होगी ना, वो प्रेसिपिटेशन कहलाएगी साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। और फिर हो गई देखो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे वाटर वेपर, यहाँ पे जो है वो मतलब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर मॉइस्चर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाते हुए क्या होगी, यहाँ पे जो है ना, मतलब ये पहाड़ी इलाका है ना, माउंटेन है, इसकी तरफ जब ऊपर जाएगी तो इसे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या होगी, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से फिर क्या हो जाएगा, फिर ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाएगा, फिर यहाँ पे बारिश हो जाएगी, तो ये फिर कहलाएगी रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल कहलाती है फिर। और ये देखो यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल मेनली देखो जो लेक्स वगैरह से जो होते हैं ना, सी और रिवर्स वगैरह से जो डायरेक्ट ऊपर की तरफ उठते हैं और इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होने के बाद जो फिर वाटर वेपर बन जाती है, वाटर वेपर बनने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कहलाती है मेनली कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ठीक है। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और रेनफॉल जो है ना, देखो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो हमारे लिए भी और प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्या करती है, ये जो है ना हमें फ्रेश वाटर ब्रिंग करके लाती है ना, फ्रेश वाटर लाती है हमें,
और इसकी वजह से क्या होती है, फर्टिलिटी जो जो एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी होती है इसकी वजह से इंक्रीज होती है। ठीक है, रेनफॉल क्या हो रही है, लेस होने की वजह से जो वाटर स्कार्सिटी होती है वो हमें ज्यादा काफी झेलना पड़ता है। रेनफॉल अगर कम होती है तो वाटर स्कार्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो बस यही चीजें थी इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, और तो कुछ भी नहीं है। और आज हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हुआ, क्लास 7 का 4 चैप्टर। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।